द रीडर 1995। एक आदमी माइकल अपने घर की खिड़की से बाहर गुजरती ट्रेन को देख रहा होता है, जिससे उसे अपने बीते उस वक्त की याद आती है जब वो 15 साल का था। उस रोज माइकल अपने स्कूल से घर लौट रहा होता है और बहुत तकलीफ में रहता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और एक टाइम के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उससे चला भी नहीं जाता। तो वो एक पुराने अपार्टमेंट के पास बैठकर रोने लगता है। तभी उसे ऐसी हालत में देखकर वहां से गुजर रही एक औरत हैना उसके पास आती है और उसकी मदद करती है वापस घर तक पहुंचने के लिए। घर आने के बाद जब माइकल का इलाज होता है, तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्कारलेट फीवर है, जिस वजह से अब उसे कुछ महीनों तक बेड भर ही रहना होगा। जिसके बाद माइकल अगले 3 महीनों तक घर में ही रहता है और इतने दिनों में बस उसके दिमाग में एक ही बात बार बार आती रहती है कि जिस औरत ने उसकी मदद की थी वो कौन थी। जिस वजह से माइकल जैसे ही ठीक होता है तो वो सीधे हैना को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हैना उससे ज्यादा बात नहीं करती। पर वो उससे जितनी भी बात करती है उसमें एक अजीब सा कंफ्यूजन रहता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो माइकल से जाने को तो कह रही है पर वो चाहती नहीं है कि वो जाए, जिस वजह से माइकल अगले दिन वापस हिम्मत करके हैना से मिलने आता है, क्योंकि वो हैना को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा होता। पर हैना के पास जाने के बाद उसे महसूस होता है कि वो भी उसके आने का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि माइकल के पहुंचते ही हैना उसे उसके साथ सोने के लिए सीड्यूस करती है और आखिर में फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर इनका रिलेशनशिप बातचीत की तरह नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि हैना माइकल से 20 साल बड़ी रहती है और ये जानते हुए भी माइकल उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। उसके लिए हैना ही अब उसकी पूरी दुनिया बन चुकी होती है। वो अपना ज्यादातर वक्त हैना के साथ ही बिताना शुरू कर देता है और जब उसे पता चलता है कि हैना को कहानियां सुनना पसंद है, तो वो उसका मन लगाने के लिए वो उसे हर रोज फेमस राइटर्स की लिखी हुई कहानियां सुनाता है, जिससे हैना को भी एक टाइम के बाद माइकल की कहानियों की आदत पड़ जाती है। पर इसी बीच माइकल को एक और बात महसूस होती है कि हैना उससे प्यार तो करती है पर वो उसके साथ उसके जैसी नहीं रहती। मतलब जिस तरह से माइकल उससे अपनी हर बात शेयर करता है, उसके सामने अपने प्यार को जिस तरह से एक्सप्रेस करता है, हैना वैसा नहीं करती। वो हमेशा खुद में ही रहती है। वो माइकल के सामने किसी बंद किताब की तरह रहती है, जिसे माइकल पढ़ना तो चाहता है पर उसे कभी मौका नहीं मिलता। उल्टा हैना माइकल को डांटते रहती है जब जब माइकल उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है और उसे हर वक्त बच्चा कहते रहती है। और जब कभी माइकल उससे जिद करता है कि वो उसके लिए क्या फील करती है या क्या सोचती है, तो हैना उसे हर बार एक ही जवाब देती है कि वो क्या चाहती है और क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैना का ऐसा बर्ताव करने के बाद ही माइकल के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्यार वक्त के साथ साथ और गहरा होते जाता है। पर एक दिन ऐसा आता है जिसके बारे में माइकल ने कभी सोचा नहीं होता।